बीजापुर। बीजापुर भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है, जो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु से 524 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बीजापुर को आधिकारिक तौर पर बीजापुर के नाम से जाना जाता है। बीजापुर शहर भारत के ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जिसे 10वीं और 11वीं शताब्दी में कल्याणी चालुक्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने इस शहर को जीत का शहर नाम दिया था। बीजापुर शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जो आदिल शाही के शासनकाल में बनवाई गई थीं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद बीजापुर के गोल गुंबद में ही मौजूद है। यहाँ का गुंबद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है और साथ ही में भारत की दूसरी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शिव जी की प्रतिमा भी बीजापुर में मौजूद है। इसके अलावा बीजापुर शहर को कर्नाटक का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भी पंजाब की तरह होकर 5 नदियाँ बहती हैं। बीजापुर से होकर बहने वाली नदियों में कृष्णा नदी, भीमा नदी, डोनी नदी, घटप्रभा नदी और मालाप्रभा नदी शामिल है। इस वजह से बीजापुर शहर को 5 नदियों का शहर भी कहा जाता है। बीजापुर शहर कर्नाटक का 9वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 330,000 के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार बीजापुर शहर में 82% हिंदू, 16% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो बीजापुर में घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बीजापुर में घूमने की 5 सबसे अच्छी जगह, जहां पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है जामा मस्जिद। बीजापुर की जामा मस्जिद को जमिया मस्जिद और जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद को अली आदिल शाह फर्स्ट ने 1578 ईस्वी में बनवाया था। यह मस्जिद कर्नाटक की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां पर एक बार में हजारों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 4 पर है बड़ा कमान। बड़ा कमान 1672 में आदिल शाह द्वितीय के द्वारा निर्मित एक अधूरा मकबरा है, जो 12 खूबसूरत आर्क्स यानी मेहराबों का बना हुआ है। यह मकबरा अधूरा इसलिए रह गया था क्योंकि आदिल शाह द्वितीय के ही पिता ने उनकी हत्या कर दी थी और फिर बड़ा कमान का निर्माण कार्य रुकवा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे बड़ा कमान गोल गुंबद की शान को कम करे। नंबर 3 पर है इब्राहिम रोज़ा। इब्राहिम रोज़ा बीजापुर के शास्त्री नगर में स्थित है। इस स्थान को इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इब्राहिम रोज़ा में आदिल शाह सेकंड और उनकी पत्नी की कब्र बनी हुई है। यह जगह बीजापुर के शानदार मकबरों में से एक है। नंबर 2 पर है शिवगिरी टेम्पल। बीजापुर में स्थित शिवगिरी मंदिर एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव जी की 85 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। यह प्रतिमा भारत की दूसरी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शिव जी की प्रतिमा है। शिवगिरी टेम्पल बीजापुर के शिवपुर में सिंडिकी रोड पर स्थित है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। और अब नंबर 1 पर है गोल गुंबद। गोल गुंबद बीजापुर में घूमने के लिए सबसे फेमस मॉन्यूमेंट में से एक है। यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह की समाधि बनी हुई है और साथ ही में इस मॉन्यूमेंट का गुंबद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। बीजापुर में आने वाले लोग इस जगह को देखने जरूर जाते हैं। आप लोग इन जगहों के अलावा बीजापुर में घूमने के लिए अलमट्टी डैम, गगन महल, नरसिम्हा टेम्पल, मलिके मैदान, अपली ब्रुज आदि जगह जा सकते हैं।